आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए फिक्स प्रेपोजिशन, मतलब कौन से वर्ब के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट वी विल लर्न, हम लोग सीखेंगे, और इस इट इज वेरी नेसेसरी टू लर्न फिक्स प्रेपोजिशन बिकॉज इट विल बी यूज व्हाइल यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड इन योर सिलेबस बिकॉज इट्स वेरी नीड टू एवरीवन। सो विदाउट डिले वी स्टार्ट। हे गाइस, दिस इज मुस्कान, वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। स्वागत है आपका रियल इंग्लिश में। तो बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि न्यू तरह के वर्ड आप अपने लाइफ में कैसे यूज करें। दूसरी बात कि ये कंपटीशन के लिए भी यूजफुल होगा कि कंपटीशन में किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन में आता है। थर्ड, 12th के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन उसमें भी पूछा जाता है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आई हैव अ क्वेश्चन दैट यू विल गिव मी द आंसर्स। द क्वेश्चन वन इज I gap dash smoking up into by or on। जब तक आपको पता होगा कि give के साथ कौन सा fix preposition होता है, तभी तो आप sentence को बना पाएंगे ना। मैंने smoking करना छोड़ दिया, तो give up, और यहाँ gap लिखा है मतलब up to दिया, तो obviously ये कि right answer आपका up होगा। I gave up smoking। So this is this video is useful for these types of post translation. You must be remember and you must be use in your daily conversation. तो सबसे पहले जो fixed preposition आता है वो आता है give up, जैसा कि मैंने अभी just कहा छोड़ना। तो give के साथ up लगाते हैं तो उसका मतलब हो जाता है छोड़ना। ये 12th के लिए most important है क्योंकि ये steps के question पूछे जाते हैं, तो fixed preposition पता होना चाहिए। Give up छोड़ना, ब्रेकअप रिश्ता टूटना, ये तो नॉर्मली चीजें जो यू मोस्टली यूज ही होते हैं। ब्रेकअप हो गया बेटा भाई, तो ब्रेकअप, ब्रेकअप का भाव है उसके साथ अप लग गया तो हो गया रिश्ता टूटना। कोई रिलेशनशिप में वो रिश्ता टूट गया है तो वहां पे ब्रेकअप का यूज किया जाता है। तो अप हो गया फिक्स। पेच अप, पेच के साथ अगर आप अप यूज करते हैं तब रिश्ता जुड़ना हो गया, मतलब रिलेशन एड होना, किसी के साथ रिलेशन में आना। नेक्स्ट है मेक अप, मेकअप करती हो कितना ज्यादा ऐसे बोला जाता है ना, तो मेक के साथ अप होता है तब श्रृंगार करना होता है। ऐसे मेक अगर आप नॉर्मली यूज करेंगे तो मेक का मतलब होता है बनना या बनाना। नेक्स्ट है लुक आफ्टर, लुक के साथ अगर आफ्टर आप प्रीपोजिशन यूज करते हैं, आफ्टर मतलब होता है के बाद, तो लुक आफ्टर मतलब हो गया देखभाल करना। जैसे माय मॉम लुक्स आफ्टर मी, मेरी माँ मेरा देखभाल करती है। जब भी नहीं कि सिर्फ मेरी माँ करती है, आप लोगों की भी माँ करती है, सो डोंट वरी। सी ऑफ, ये देखिए डबल ऑफ लिखे, मतलब ओ में डबल एफ आया है, ऑफ सी ऑफ, ओ एफ और ओ डबल एफ में डिफरेंस होता है। तो यहाँ सी ऑफ लिखा है मैंने, मतलब उसका मतलब क्या होता है, विदा करना। जैसे सी ऑफ करने के लिए जाया जाता है, जैसे आपके रिलेटिव अगर आपके यहाँ आते हैं तो उसको सी ऑफ करने के लिए आप बाहर तक या फिर स्टेशन तक या तो फिर आप बस स्टैंड तक, जहां तक भी आपको मतलब सुविधा होती है, जहां तक आप उसको सी ऑफ करने के लिए जाते हैं, तो वहां आप सी ऑफ का यूज करेंगे विदा करना। ब्रिंग अप, ब्रिंग के साथ अगर आप अप लगाते हैं तो लालन पालन करना हो जाता है। लालन पालन करना का मतलब शुरू से लेकर के मतलब बच्चे से लेकर के बड़ा करना, उसको होता है लालन पालन करना, अच्छे से देखभाल करना। ब्रस्ट इंटू, ब्रस्ट के साथ इंटू, कोई भी काम चालू करना, मतलब कोई भी वर्क जो रुका हुआ है उसको स्टार्ट करना ब्रस्ट इनटू कहलाता है। आपके एग्जाम में आएगा कि ब्रस्ट, उसके बाद गैप दे दिया गया, उसके बाद पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन आएगा, जब आपको पता रहेंगे तब ना। कुछ ऐसे होते हैं जो नॉर्मली हम लोग अपने सेंस से लगाते हैं, लेकिन सब ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो फिक्स होते हैं कि वो आएगा तो भाई इसी के साथ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के साथ अगर आप ऑफ, यहाँ पे सिंगल एफ लिया गया है, अफ्रेड ऑफ से का मतलब हो गया से डरना। जैसे आई एम अफ्रेड ऑफ घोस्ट, मैं भूत से डरती हूँ, दिस इज रियलिटी। नेक्स्ट वेल ऑफ, वेल के साथ अगर आप डबल ऑफ लगा देते हैं उसका मतलब हो गया धनी, धनी मतलब रिच। हम लोग मोस्टली यूज करते हैं ना, आई एम वेरी रिच, आई वॉन्ट टू बी अ रिच मैन, मतलब मैं रिच आदमी बनना चाहती हूँ, बनना चाहता हूँ। तो मतलब हम लोग यूज करते हैं रिच क्यों, इसलिए क्योंकि हम लोग को बचपन से लेकर के अभी तक सिखाया जाता है बेटा बोलो आर आई सी एच रिच, रिच मतलब अमीर, पी डबल ओ आर पुअर, पुअर मतलब गरीब। भाई जो सिखाया गया है, जो हमारे एनवायरमेंट बोलती है वही तो हम यूज करते हैं ना। तो मतलब हमारा जो एनवायरमेंट होता है ना उसके अकॉर्डिंग हम लोग ढल जाते हैं, हम लोग उसको चेंज नहीं कर पाते, लेकिन वो हम लोगों को चेंज कर देता है।
पता ही नहीं चलता कब होता है लेकिन हो जाता है। तो वेल ऑफ, अब से आप क्या यूज करेंगे, वेल ऑफ। वेल ऑफ का मतलब धनी होता है। क्लोज अप, क्लोज के साथ अगर आप यूज करते हैं तो मतलब किसी से क्लोज होना होता है, किसी से का मतलब जैसे हो जाता है कि झगड़ा उगड़ा हो गया हो किसी के भी बीच में, तो फिर वापस से क्लोज आ जाना, तो मतलब क्लोज अप आ गया। ये क्लोज अप आपका बरसने वाला नहीं होता है, क्लोज अप लगा दो भाई एकदम पास आने के लिए का जरिया है जो प्रचार में दिखाया जाता है। नेक्स्ट है पैशन फोर। पैशन के साथ अगर आप फोर का यूज करते हैं तो के लिए जुनून, जैसे किसी को सक्सेस पाने की जुनून होती है। लाइक दैट ही हैज पैशन फॉर हिज सक्सेस। या फिर किसी को लव के लिए भी जुनून होता है, प्यार के लिए, भाई पाना है तो पाना है, इसी को पाना है। जुनून मीन्स किसी के लिए भी पागल होना, किसी के लिए भी मेंटेलिटी पागल हो जाना कि मतलब हमको पाना है, करना है तो करना है। नेक्स्ट है पासिंग थ्रू। पासिंग पासिंग थ्रू मतलब पासिंग के साथ थ्रू लगता है तो इसका मतलब होता है से गुजरना, जैसे द किंग वाज पासिंग थ्रू जंगल। जंगल इंग्लिश मीनिंग भी है, मतलब क्या बोलते हैं फॉरेस्ट का है, जंगल को इंग्लिश में जंगल भी बोलते हैं और फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो पासिंग के साथ थ्रू लगता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, से गुजरना, कहीं से गुजर जाना होता है। नेक्स्ट है टेक ऑफ। टेक के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, ओ डबल एफ, जिसका मतलब होता है नीचे आना। अरे लोग बोलते हैं अरे भाई नीचे आ जाओ तब तो जाओगे, तो ओ ब्रदर प्लीज टेक ऑफ मतलब नीचे आओ। नेक्स्ट है गिल्टी ऑफ। गिल्टी के साथ अगर आप ऑफ लगाते हैं तो इसका क्या मतलब हो जाता है, का दोषी। जैसे कोई अगर कोई क्राइम करता है तो वहां पे बोलते हैं ही वॉज द मैन हु वॉज द गिल्टी ऑफ दिस मर्डर। नेक्स्ट है इंटरेस्ट इन। इंटरेस्ट के साथ इन हमेशा लगता है, जैसे आई हैव ग्रेट इंटरेस्ट इन लर्निंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने में बहुत इंटरेस्ट है। तो आई वांट टू आस्क यू दैट इन व्हिच यू हैव ग्रेट इंटरेस्ट, आपको क्या चीज में इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा, क्या चीज सीखने में, क्या चीज करने में, क्या करना चाहते हैं उस समय। तो इंटरेस्ट जब भी आएगा तो इसके साथ क्या आएगा, इन भाई साहब आएगा, इसका मतलब क्या होता है, मेड रुचि, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आना। नॉर्मली तो रुचि कोई यूज नहीं करता क्योंकि रुचि लड़की का भी नाम होता है, तो वहां पे यूज होता है इंटरेस्ट ही। नेक्स्ट है आपका बैंक ऑन और रिले ऑन। बैंक के साथ अगर आप ऑन लगा देते हैं और रिले के साथ अगर ऑन लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है पर भरोसा करना, मतलब किसी पर विश्वास करना, जिसको हम लोग बिलीव बोलते हैं, जिसको हम लोग ट्रस्ट बोलते हैं, प्लीज ट्रस्ट, कृपया करके भरोसा कीजिए। रिले ऑन मी, मेरे पे भरोसा कीजिए। बैंक ऑन मी, बैंक ऑन का मतलब बैंक जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बैंक पर चढ़ने के लिए नहीं बोला जा रहा है, यहाँ बोला जाता है कि भरोसा करने के लिए। जब तक आपको पता होगा तब ना कि आप इस टाइप्स के भी यूज कर सकते हैं वर्ड। बैंक के साथ ऑन लगता है भाई, रिले के साथ ऑन लगता है तो पर भरोसा करना हो जाता है। तो ये हाई स्टैंडर्ड वर्ड्स, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मोस्टली लंदन के लोग, इंग्लैंड के लोग, ये लोग यूज करते हैं, जिसमें हम लोगों का समझ नहीं आता। मतलब ऐसा नहीं है कि सबको समझ में नहीं आता, बहुत कम लोग होते हैं जिसको समझ में आता है, जो किसी के होते हैं एडवांस लर्निंग इंग्लिश। तो ये हो गया मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं इससे, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया आपका, कॉमन एरर आ गया, ट्रू फॉल्स आ गया। तो ये सारे के सारे वैसे ही वर्ड्स हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में भी यूज होते हैं, एज वेल एज कंपटीशन 12, 11, पार्ट 1, ये सारे के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे डेली कन्वर्सेशन में भी यूज होते हैं। जैसे धनी, रिच बनना, सारे लोग चाहते हैं कि वो अमीर बने, तो अमीर के लिए हम लोग वेल ऑफ का यूज क्यों ना करें। जब पता चल गया तो आपसे वेल ऑफ का यूज ही किया कैसे, दैट इज गुड फॉर यू एंड गुड फॉर अस। एंड आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हो। मीट योर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।